एक तरफ पीएम मोदी ने आज बिहार के चुनाव प्रचार में एंट्री की, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज आज ही किया। नवादा के हिस्सा में राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ रैली की। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये काम भाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं, का परिवर्तन के लिए संकल्प साथियों। मोदी जी के भाषण कैसे लगे? अच्छे लगे? उन्होंने कहा कि बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनके सामने प्रधानमंत्री अपना सिर झुकाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पूरा देश उनके सामने, बिहार के शहीदों के सामने सिर झुकाता है। मगर सवाल यह नहीं है, सवाल सिर झुकाने का नहीं है, सवाल दूसरा है। जब बिहार के युवा सैनिक शहीद हुए उस दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी जो कहा तरी ओकरा के पूरा करें। हमार डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। कुछ लोग तो प्रश्न उठा रहे थे, बड़ी खुशी होती प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे आपको दिखाएंगे बिहार के चुनाव प्रचार के कुछ और रंग। छोटा सा ब्रेक।